मेंगल साहब हमें ज्वाइन करने का। सो सब अब आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपकी पार्टी का झुकाव किस तरफ होगा, और आप ये तो मुझे जाहिर है नहीं बताएंगे, मगर न्यूट्रल रहना भी कोई ऑप्शन है कि नहीं? शुक्रिया मुनीजा। देखिए, हमें ये देखना होगा कि आज जब हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं जिसको पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया जा रहा है, हम किन मकासद के लिए इसमें आए हैं? ना हम किसी रुतबे के लिए, ना ही किसी ओहदे के लिए। तमाम ये जो पार्टियां हैं, ये एक अहम मकासद, या आप कह रहे हैं कि ग्रेटर मकासद के लिए जो इकट्ठे हुई हैं, मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में ये ओहदे और ये रुतबे जो है कोई अहमियत नहीं रखते। और अगर देखा जाए तो पिछली जिस समय इत्तेहाद में थे पीटीआई की, उसमें रुतबे भी थे, उसमें ओहदे भी थे, उसमें वजारतों के ऑफर्स भी थी, लेकिन हम वो सब कुछ छोड़कर यहां पर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी कोशिशों से, लेकिन तमाम जो इस अलायंस में जो पॉलिटिकल पार्टियां जो शामिल हैं, उन तमाम की कोशिश से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। हमारी आखिरी वक्त तक ये कोशिश रहेगी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कि किसी ओहदे या रुतबे के लिए इन मकासद को या इन अहम मकासद को जो है रोंदा ना जाए। यह आपने बात बड़ी अहम की, मगर आप चूंकि जीरक सियासतदान हैं, फिर एएनपी है, फिर मौलाना फजलुर रहमान, कितने अरसे से आप सब सियासत कर रहे हैं, तो अख्तर मेंगल साहब सवाल ये बनता है कि जब आप लोगों ने ये फैसले किए कि जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो पीएमएलएन को मिलेगी, फिर सेनेट के जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उनको मिलेगी, तो आपने ये सिनेरियो नहीं किया था कि जी अगर हम हार जाते हैं ये सीटें तो फिर हमारा लाए अमल क्या होगा? मैं तो हैरान हूं, या नाकदीन भी हैरान है ये देख के कि इस लेवल तक कोई प्रिपरेशन नहीं थी पीडीएम के अंदर। देखिए, उस वक्त तो पोजीशन वाजे थी, उसमें उस वक्त हारने का कोई सवाल ही नहीं था। वो तो उसको उम्र दराज दिए उस रिटर्निंग ऑफिसर को, जिसने अपनी जादू की छड़ी से जो है ना 7 वोटों को रिजेक्ट कर लिया। वैसे 1 वोट रिजेक्ट हो सकता था, 2 हो सकते थे, 7 के 7 इकट्ठे उसने जो रिजेक्ट कर लिए। मेरे ख्याल में 23 मार्च को तो उसको कल हुआ था, अगर तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए था तो उस रिटर्निंग ऑफिसर को मिलना चाहिए था, बाकी बात की बात थी। लेकिन ओहदा जो है, चाहे वो अपोजिशन लीडर का हो, यहां तक कि सेनेट का हो, जब हमने कोई टारगेट अपना रखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और जिसके लिए हम कहते हैं कि जी हम जान और माल सब कुर्बान कर देंगे, तो फिर ये ओहदे और ये रुतबे जो है कोई अहमियत नहीं रखते और नहीं रखने चाहिए। क्योंकि जो मुल्क में आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी और अदम मुदाखलत की जो हमने जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं कि उस मकासद को पूरा करेंगे, उसमें तो हमें बहुत कुछ लुटाना है, हमें बहुत कुछ खोना है। नहीं, दुरुस्त, मगर इसके लिए आपको यूनाइटेड फ्रंट चाहिए। अब जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि ये किसका आइडिया था कि 10 दिन पहले आपने ये ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च को आप नत्थी कर रहे हैं इस्तीफों से, तो वो ये कहते हैं कि यकदम ये एक डिमांड आई, ये पहले तो डिमांड थी ही नहीं पीडीएम के अंदर। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें मीडिया में नहीं कहनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहां पर इस तरह हुआ है, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर इख्तलाफत राय होते हैं, अलायंस के इत्यादों के अंदर इख्तलाफ राय होते हैं, लेकिन वो मीडिया की जीनत नहीं बनती। जब कुछ मीडिया में आ जाए, और बिलखसूस आजकल हमारे मीडिया में तो जो है ना उस पर जलती पर जो तेल छिड़का जाता है, तो जिस तरफ से भी हुआ, मैं किसी एक को मौरज इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश है और आखिरी वक्त तक ये कोशिश रहेगी कि मेरे किन अल्फाजों से या कुछ जुमलों से कोई भी पार्टी जो है इससे मुतासिर ना हो। तो मैं किसी के बारे में कोई ऐसे अल्फाज नहीं दोहराऊंगा कि किसकी इसमें गलती है। हाँ, ये मैं कोशिश करूंगा कि जिससे भी ये गलती हुई है, उन गलतियों को फिर ना दोहराया जाए। मगर लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है, आपने हुकूमत छोड़ी, बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दी,
और ओहदे आपने दुरुस्त कहा, आपने ओहदे छोड़े, आपका अपना क्या मौकफ है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है इस्तीफा देने का। आप क्या समझते हैं कि क्या वक्त है इस्तीफा देने का? क्या इस वक्त इस्तीफे दे देने चाहिए या कि डट के मुकाबला करना चाहिए सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर? मेरी आसू जरदारी साहब से भी बात हुई है, मौलाना फजल रहमान से भी आज सुबह मेरा रब्ता हुआ, उनसे भी मैंने बात की है, और मियां साहब से डायरेक्ट तो मेरी बात नहीं हुई, डायरेक्टली उनसे भी बात हुई। एक बात मैंने उनको गुजारिश की है कि जी मीडिया या जो स्पोक्स पर्सन है वो अपना एक रखें, जो जिम्मेदार हो, जो जवाब भी दे और जवाब जो भी हो वो उस दायरे के अंदर हो, क्योंकि बदकिस्मती ये रही है, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहूंगा, हमारे स्पोक्समैन आजकल कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, शायद हमारी पार्टियां भी जितनी बड़ी हमारे जो स्पोक्स पर्सन है मंत्री वो ज्यादा हो गए। बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा पीडीएम अगर कहती है कि जी आज इस्तीफे दें, इज्तमाही फैसला जो भी हो हमारे लिए वो जो है एक्सेप्टेबल है और सबके लिए एक्सेप्टेबल। यानी आप अपना जाती राय मुझे नहीं बताएंगे? नहीं जी, हमारी जो भी राय होगी पीडीएम, क्योंकि पीडीएम ने एक फैसला किया था कि जी इस्तीफे जमा कराएं, तो हमने सबने इस्तीफे जमा कराए। अब वो किस ये मैं समझाई थी वो क्यों जमा कराए गए थे, वो इलेक्शन की असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने के लिए तो हमने जमा नहीं कराए थे ना जी, वो जमा कर रहे थे पेश हो गया। हाँ टाइम में शायद फर्क आ सकता है, आज के बजाय हम कल दें, कल के बजाय हम परसों दें, लेकिन अल्टीमेटली हमें इस्तीफे देने होंगे।